सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी मालियाती असलाहत, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया पर भी गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क में वजीर आजम से IMF क्रिस्टेलिना जॉर्जवा की भी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने $7 अरब कर्ज मंजूरी में IMF के तावन पर खराज तहसीन पेश किया। साथ ही दराजाती असलाहत के नफाज और निजी शोबे की तरक्की के फरोग का आज़म भी जाहिर किया। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात, वजीर आजम ने उन्हें इंतजामी और तंजीमी असलाहत के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानवी हमसब और सदर यूरोपीय कमीशन से भी मिले। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। आलमी मालियाती असलाहत, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया पर भी गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क में वजीर आजम से IMF क्रिस्टेलिना जॉर्जवा की भी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने $7 अरब कर्ज मंजूरी में IMF के तावन पर खराज तहसीन पेश किया। साथ ही दराजाती असलाहत के नफाज और निजी शोबे की तरक्की के फरोग का आज़म भी जाहिर किया। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात, वजीर आजम ने उन्हें इंतजामी और तंजीमी असलाहत के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानवी हमसब और सदर यूरोपीय कमीशन से भी मिले। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया।